हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड मेरी वीडियोस ये जो आपने देखी होगी तो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे ही हेल्पफुल हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो इसलिए यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान आयुष काउंसलिंग बोर्ड है उसके द्वारा इनकी दो रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जो है वो रिलीज किए गए हैं, और इसी की वजह से जो स्टूडेंट है उनके बीच में कन्फ्यूजन हुआ है कि दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना है या फिर एक ही करना है। तो इन शेड्यूल में क्या कॉमन है एंड क्या डिफरेंस है, इन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। ओके गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते रहे मेडिको अड्डा चैनल। तो गाइस, आप ये शेड्यूल देख सकते हैं। ये वाला जो शेड्यूल है वो ऑल इंडिया कोटा से जो 15% सीट है प्राइवेट कॉलेज की उसको फिल करने के लिए ये वाला शेड्यूल है। यहाँ से आपको 50% सीट के लिए एडमिशन मिलेगा। तो आपको यानी कि ऑल इंडिया कोटा से यानी कि 50% सीट पर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको जो चॉइस फिलिंग है वो 21/12/2020 से 22/12/2020 के बीच में आपको करनी है। एंड जो दूसरे वाला जो शेड्यूल है वो स्टेट कोटा एंड NRI कोटा के लिए है। तो गाइस, उसके बारे में भी हम बात करते हैं, और लास्ट में हम बताएंगे कि दोनों का रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग करना है एंड जो काउंसलिंग फीस है वो आपको अलग अलग देनी है या फिर नहीं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहे, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला। तो गाइस, नेक्स्ट शेड्यूल के बारे में करते हैं कि नेक्स्ट शेड्यूल क्या है। तो गाइस, ये वाला जो शेड्यूल है ये यानी कि स्टेट कोटा एंड NRI जो कोटा है उसके लिए, यानी कि आपकी जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी यानी कि 50% जो सीट है वो तो यानी कि आपको 21/12/2020 वहाँ पर आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वहाँ से आपको 50% सीट मिल जाएगी। एंड स्टेट कोटा की जो 85% सीट है वो आपको इसके अनुसार मिलेगी। तो इस शेड्यूल का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो सेम डेट को है, एंड जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो भी आपको एक ही करना है, एंड जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी आपको एक ही देनी है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग नहीं देनी। तो गैस, लेकिन इसकी जो 85% सीट के लिए आपको एडमिशन लेना है तो उसकी जो चॉइस फिलिंग डेट है वो अलग है। इसकी जो चॉइस फिलिंग डेट है वो है यानी कि 14/1/2021 से लेकर यानी कि 16/1/2021 के बीच में, यानी कि केवल चॉइस फिलिंग की जो डेट है उसका अंतर है, बाकी रजिस्ट्रेशन आपको एक ही करना है, फीस भी आपको एक ही बार ही देनी है। तो आपको प्राइवेट में यानी कि 50% सीट के लिए एडमिशन लेना है तो आपको 21/12/2020 से 22/12/2020 के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार करना है और फीस भी आपको एक ही बार करनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइस, यदि पसंद आया तो लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि उनका भी ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। एंड गाइस, आगे भी ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहूँगा, इसलिए यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, एंड थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।